का स्वागत है नए वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के बारे में। सो आईएसएल में कल था मैच एफसी गोवा वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, और ये मैच बहुत ही मुश्किल के साथ ड्रॉ एंड हुआ है। बहुत ही क्लोज मैच हुआ था, ये लग नहीं रहा था कि गोवा इस मैच को निकाल पाएगा, ड्रॉ भी निकाल पाएगा, मुश्किल लग रहा था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ने काफ़ी बढ़िया फुटबॉल खेला है। लेकिन एंड तक आते आते गोवा ने इस मैच को ड्रॉ तक निकाल लिया। यानी काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज मुकाबला हुआ ये, और कल भी नॉर्थ ईस्ट के एक प्लेयर को लाइक यू नो रेड कार्ड मिला, डबल येलो रेड हुआ था। और अगर हम देख ले तो स्टार्टिंग में ही नेक्स्ट एलबीएच ने गोल कर दिया था, स्कोर लाइन था 1-0। उसके बाद अरमंदो सिद्दीकू ने फर्स्ट हाफ एंड होने से पहले उनको एक पेनल्टी मिला, जेन्युइन पेनल्टी था, वहां पे एक गोल किया। फिर सेकेंड हाफ स्टार्ट के 2 मिनट के बाद ही उन्होंने दूसरा गोल किया, तो एफसी को एक्चुअली लीड में था वहां पे। लेकिन उसके बाद एज बिकॉज गोवा का डिफेंस है, और गोवा का डिफेंस उतना स्ट्रांग है नहीं रिसेंट टाइम में, मतलब अब सीरियसली लाइक संदीप चिंगन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेस्टर एलबीएच ने एक और गोल किया, और यू नो अलादीन अजराई ने दूसरा गोल। लगातार 2 गोल कंसीड किया था गोवा ने वहां पे, और उसके बाद काफी मुश्किलों के साथ गोवा ने एकदम बोर्जा हरेरा ने 94th 90+4 मिनट में जाके एक काफी वर्ल्ड क्लास लेवल का गोल किया, एंड गोवा ने इसी के साथ साथ कम बैक ड्रॉ किया है नॉर्थ ईस्ट के साथ। सो गोवा का जो अटैक है वो काफी स्टेबलाइज नजर आ रहा है, लेकिन डिफेंस में काफी ज्यादा दिक्कत है। नॉर्थ ईस्ट लाइक यू नो नॉर्थ ईस्ट का एक और जो मेजर प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट का भी नजर आ रहा है कि वो लास्ट मोमेंट तक ना अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे। वो लास्ट के 6-7 मिनट में थोड़ा सा वो बैलेंस लूज कर, और वहां पे ही सबसे ज्यादा गोल नॉर्थ ईस्ट ने कंसीड किया है। सो उस चीज के ऊपर थोड़ा सा तो ध्यान देना होगा कोच को। बट ओवरऑल एक काफी ज्यादा टॉप नॉच मुकाबला हम लोग को देखने को मिला, और जो रेड कार्ड मिला आई थिंक अगर वो अपील करेंगे तो फिर से रेड कार्ड का येलो कार्ड हो जाएगा। डबल येलो रेड था, लेकिन जो सेकेंड येलो कार्ड जो दिया गया है वो आई थिंक थोड़ा सा लाइट डिसीजन, प्रोफेशनल टैकल या चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। बड़ा जो भी हो, गोवा ने अपने हिसाब से पूरा ट्राई किया, नॉर्थ ईस्ट ने भी अपने हिसाब से पूरा ट्राई किया, और गोवा का डिफेंस को लेके सीरियस ट्रबल्स हैं। तो वहां पे गोवा को कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट मैचेस में दोनों टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। नेक्स्ट बात करें आज के मैच के बारे में, आज का जो पहला मैच है वो है जमशेदपुर एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल। एक तरफ है जमशेदपुर जिन्होंने अभी तक एक भी मैच लाइक यू नो मतलब एक ही मैच हारा है टेक्निकली, और खतरनाक लेवल का परफॉर्मेंस है जमशेदपुर का। खालिद जमील लाइक इज ऑन फायर आप बोल सकते हो। दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल ड्रॉ तो छोड़ो, अभी तक एक भी मैच जीता नहीं है, पॉइंट्स टेबल में लास्ट में बैठे हुए, मतलब तो हैदराबाद से भी ज्यादा गया गुजरा हालत है, क्योंकि हैदराबाद ने एटलीस्ट चेन्नई के अगेंस्ट में ड्रॉ तो करवाया था, लेकिन यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने तो अभी तक एक भी मैच जीता, मतलब जीतना तो बहुत दूर की बात है, ड्रॉ तक नहीं करवाया है। अब बीनो जॉर्ज आए हैं नए कोच, उनके ऊपर मुझे थोड़ा सा पर्सनल लेवल में भरोसा है, क्योंकि सीएफएल में मैंने उनका कोचिंग स्टाइल देखा है, और काफी लाइक यंग प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से वो टीम को बैलेंस आउट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्केल बड़ा है, स्टेक्स हाई है, सो मुश्किल होगा बीनो जॉर्ज के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता है, हल्के में तो हम लोग बिल्कुल नहीं ले सकते। सो देखते हैं कि इस मैच का रिजल्ट फाइनली क्या होता है, और ये मैच है आज 5 बजे। नेक्स्ट है इस सीजन का पहला कोलकाता डर्बी, द बिग गेम, मोहम्मदन एफसी वर्सेस मोहन बगान सुपर जायंट्स। और ऑन अ टेक्निकल स्केल तो ये मोहन बगान का होम मतलब मैच है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैच होगा कोलकाता में तो जो ऑडियंस होगा, जो सपोर्टर्स होंगे वो 50-50 होगा, 50% मोहम्मदन, 50% मोहन बगान। और काफी सालों बाद हम लोग एक बड़े स्टेज में मोहन बगान वर्सेस मोहम्मदन देखने वाला, आई थिंक 6-7 साल हो गया होगा जब लास्ट टाइम हम लोगों ने बड़े स्टेज में ऐसे सीएफएल में, कलकत्ता फुटबॉल लीग में, या छोटे मोटे ऐसा बात नहीं करो, प्रॉपर जैसे आईएसएल हो गया, आई लीग हो गया, आई लीग में तो मोहम्मदन थे नहीं जब मोहन बगान थे, और मतलब काफी लंबे टाइम से वो रेलिगेशन में ही थे। और फिर अगर हम लोग वहीं पे सेम बात कर ले मोहम्मदन का, जब से वो आई लीग में आए तब से मोहन बगान ऑलरेडी आईएसएल में आ चुके थे, तो एक बहुत हाई स्टेक्स वाला मैच होने वाला है। डेफिनेटली इस मैच में मोहम्मदन आगे है, क्योंकि मोहम्मदन का परफॉर्मेंस देख लो, मोहन बगान का परफॉर्मेंस देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। ऑपोजिट में मोहन बगान जमीन में है, मोहम्मदन आसमान में, क्योंकि परफॉर्मेंस मोहम्मदन का ज्यादा बेटर है। और आई थिंक जोसे मोलिना का ये लाइक फाइनल नेल इन द कॉफिन हो सकता है, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो। अगर जीत लिया तो थोड़ा सा एक्सटेंशन उनको मिल जाएगा, लेकिन अगर हार गए तो आई थिंक लास्ट डे ऑफ हिज जॉब हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। और मोहम्मदन इस मैच में फुल ऑन जाने वाले, क्योंकि यार एक बड़ा स्टेज है उनके पास, और सी बिग मैचेस का ना एक थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है अपने आप में, क्योंकि वो फैंस सपोर्ट प्रेशर हर एक चीज़, मैनेजमेंट का एक प्रेशर रहता है कि नहीं ये मैच जीतना होगा। सो काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन है इस मैच से, मोहम्मदन बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहा है, मोहन बगान दूसरी तरफ काफ़ी बिलो एवरेज काइंड ऑफ फुटबॉल खेल रहा है, कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रहा है। तो जोसे मोलिना आई थिंक इट्स टाइम टू यू नो
कोई आप काम करो, स्ट्रेटेजी लगाओ यार, क्या कर रहे हो। बड़ा मो बड़े मुश्किल होने वाला है मोहन बगान के लिए, और देखते हैं कि इस मैच करते फाइनली क्या होता है। इस मैच में आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, मोहन बगान सुपर जायंट्स या फिर मोहम्मद एनएससी, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट लोग बात करते हैं बार्सिलोना के बारे में। तो बार्सिलोना ने इंटरेस्ट दिखाया है जोनाथन डेविड के ऊपर। अब जोनाथन डेविड नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, और लाइक यू नो इनका कॉन्ट्रैक्ट भी है 2025 तक। लेकिन बार्सिलोना विंटर ट्रांसफर विंडो में इनका साइनिंग कंप्लीट करना चाहते हैं। नो डाउट एक अच्छा साइनिंग होगा, लेकिन अभी के लिए कंप्लीट होगा या नहीं बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। सो देखते हैं कि क्या फाइनली जोनाथन डेविड बार्सिलोना में आते हैं या नहीं। नेक्स्ट में बात करते हैं जुवेंटस के बारे में। तो जुवेंटस ने इंटरेस्ट दिखाया है सर्जियो रैमोस के ऊपर। अब जुवेंटस को एक डिफेंडर चाहिए और रैमोस आई थिंक अच्छा ऑप्शन होगा जुवेंटस के लिए। एक्सपीरियंस तो है ही, वन ऑफ द फाइनेस्ट डिफेंडर्स ऑफ ऑल टाइम में कंसिडर किया जाता है, लेकिन अभी एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है रैमोस के लिए, और ऑलरेडी वो सेविला में है और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, एवरेज काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आप कंसिडर कर सकते हो। सो देखते हैं क्या फाइनली सर्जियो रैमोस जुवेंटस में आते हैं या नहीं। सो गाइस दिस इज द वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद हो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, शेयर करो स्क्रीच में, एंड अगर भी शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल कर देना ताकि मैं जब अपलोड करूँ आपको उतना मिल जाए।